सनी देओल की वो 10 सबसे बड़ी फिल्में जिनकी पहली पसंद कोई और थे। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्में बनती रहती हैं। इनमें से कई अभिनेताओं ने अपने दमदार एक्शन से लोगों का खूब मनोरंजन भी किया है, लेकिन इनमें जब भी सबसे लोकप्रिय एक्शन फिल्मों और अभिनेताओं की बात होती है तो सबकी जुबान पर केवल एक ही नाम आता है और वो है सनी देओल का। आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में हम सनी पाजी की 18 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पहली पसंद कोई और हीरो था। साल 1984 में आई निर्देशक राज खोसला की फिल्म सनी से जिसके हीरो के तौर पर संजय दत्त को लिए जाने पर विचार हुआ था, लेकिन उनके ड्रग एडिक्शन को देखते हुए उनकी जगह पर सनी देओल को साइन किया गया। इसी साल आई नासिर हुसैन साहब की फिल्म मंजिल मंजिल की पहली पसंद ऋषि कपूर थे। यहाँ तक कि फिल्म के मेन हीरो का किरदार भी उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखा गया था, लेकिन नासिर हुसैन की पिछली फिल्म जमाने को दिखाना है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उसका जिम्मेवार ऋषि कपूर खुद को मानते थे। इसीलिए उन्होंने नासिर साहब को फिल्म में किसी और अन्य अभिनेता को लेने के लिए कहा। इस तरह से फिल्म मंजिल मंजिल सनी देओल के झोली में जा गिरी। इसके अगले ही साल 1985 में आई सनी देओल की एक अन्य फिल्म सोहिनी महिवाल की पहली पसंद कुमार गौरव थे, लेकिन उनके पिता राजेंद्र कुमार ने फीस के तौर पर 15 लाख रुपए की भारी भरकम रकम मांग डाली। ये फिल्म रूसी और भारतीय निर्माता संयुक्त रूप से बना रहे थे। इससे पहले इन्हीं निर्माताओं ने धर्मेंद्र को लेकर अली बाबा 40 चोर बनाया था, अतः उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार फिल्म में सनी देओल को लिया गया। इसके दो साल बाद 1987 में आई फिल्म डकैत को लेकर ये जानना बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है कि इसमें सनी देओल वाली भूमिका के लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। बात करें साल 1988 में आई फिल्म यतीम की, तो इसके लिए पहले अनिल कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म की कहानी ही उन्हें कुछ खास अच्छी नहीं लगी। इसके अगले ही साल आई फिल्म मैं तेरा दुश्मन में सनी देओल के द्वारा निभाई गई मेहमान भूमिका, पहले सुमित सहगल करने वाले थे, लेकिन निर्माता केसी बोकाड़िया ने फिल्म का बिक्री मूल्य बढ़ाने के लिए सुमित सहगल की जगह पर सनी देओल को ले लिया था। बात करें साल 1990 में आई सनी देओल के करियर में मील का पत्थर साबित होने वाली फिल्म घायल की, तो इसमें नायक की भूमिका के लिए राजकुमार संतोषी की पहली पसंद कमल हासन थे। कहा जाता है कि संतोषी साहब ने फिल्म में अजय मेहरा की भूमिका उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखी थी। खैर, जब उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर तलाशना शुरू किया तो कमल हासन को हीरो लेकर कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में संतोषी साहब ने उन दिनों के सबसे चर्चित हीरो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म करने के लिए मनाया और सोचा कि अब तो प्रोड्यूसर मिल ही जाएंगे, लेकिन अब भी परिणाम शून्य ही रहा, क्योंकि संतोषी साहब इससे पहले कला फिल्मों के मशहूर निर्देशक गोविंद निहलानी के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते थे। इसलिए प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि संतोषी एक कला फिल्म ही बनाएंगे जो कि सराही तो खूब जाएगी पर कमाई के मामले में एक ढेला भी नहीं कमा पाएगी। जब कमल हासन के बाद मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर भी राजकुमार संतोषी प्रोड्यूसर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने एस सुब्बा राव नामक एक फिल्म फाइनेंसर को इसे प्रोड्यूस करने के लिए मनाया, लेकिन सुब्बा राव ने शर्त रखी कि फिल्म में बतौर हीरो संजय दत्त को लेना होगा, परंतु उन दिनों संजय दत्त काफी व्यस्त थे इसीलिए उन्हें भी फिल्म में नहीं लिया जा सका। ऐसे में परेशान राजकुमार संतोषी ने सुब्बा राव को सनी देओल का नाम सुझाया। उन दिनों सनी देओल की राम अवतार और डकैत जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और उनका करियर थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था। इसीलिए सुब्बा राव ने संतोषी साहब से कहा कि सनी देओल को अपना फीस कम करना होगा।
जब संतोषी साहब ने इस बारे में सनी देओल से बात की तो वो अपनी फीस कम करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि मेरी फीस कम करने के बारे में अन्य किसी को पता ना चले। खैर, इसी दौरान सनी देओल और राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र साहब से मिलने फिल्म बंटवारा के सेट पर गए, जहां बातों बातों में राजकुमार संतोषी ने घायल फिल्म का जिक्र धर्मेंद्र साहब से किया। जब धर्मेंद्र साहब को पता चला कि सुब्बा राव के कहने पर सनी अपनी फीस कम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी समय राजकुमार संतोषी से कहा कि आप सनी को लेकर फिल्म की तैयारी शुरू कर दें, मैं इसे खुद प्रोड्यूस करूंगा। खैर, अब बात करते हैं साल 1991 में आई फिल्म योद्धा की, जिसके लिए एक बार फिर से पहली पसंद मिथुन चक्रवर्ती ही थे और उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद आया था, लेकिन डेट्स की कमी के कारण उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उनकी भूमिका सनी देओल को सौंपी गई। बात करें साल 1993 में आई फिल्म दामिनी की, तो फिल्म सनी देओल के द्वारा निभाए गए एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव की भूमिका के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने शुरू में ओम पुरी से संपर्क किया था, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने उम्मीद से ज्यादा फीस की मांग कर डाली। जब ये बात फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने राजकुमार संतोषी को बताई तो उन्होंने कहा कि इतनी फीस में तो कोई सुपरस्टार इस रोल को कर लेगा। इस तरह से उन्होंने सनी देओल से संपर्क किया, जिन्होंने इस भूमिका में कुछ बदलाव की शर्त पर फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इसके अगले ही साल 1994 में आई अमिताभ बच्चन, सनी देओल और चंकी पांडे की फिल्म इंसानियत। इसमें सनी देओल वाली भूमिका के लिए पहली पसंद थे संजय दत्त और चंकी पांडे वाली भूमिका के लिए अनिल कपूर को ऑफर किया गया था। साल 1996 में आई सनी देओल की धमाकेदार एक्शन फिल्म घातक को लेकर, जहां चारों तरफ प्रचलित है कि घायल की तरह ही इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे कमल हासन, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राजकुमार संतोषी पर दबाव बनाया कि इसमें सनी देओल को लें, क्योंकि सनी को लेकर उनकी पुरानी दो फिल्में घायल और दामिनी बहुत लोकप्रिय हुई थी। साल 1996 में आई सनी की एक और लोकप्रिय फिल्म अजय के लिए पहली पसंद आमिर खान थे। इसके दो सालों के बाद 1998 में आई फिल्म जोर को लेकर ये जानना बहुत रोचक है कि इसमें सनी देओल और सुष्मिता सेन वाली भूमिका के लिए पहली पसंद बॉबी देओल और करिश्मा कपूर थे। इसके अगले ही साल आई सनी की धमाकेदार एक्शन फिल्म अर्जुन पंडित की पहली पसंद अजय देवगन थे। साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें तारा सिंह वाली भूमिका पहले गोविंदा निभाने वाले थे। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम आपकी अदालत में किया था। साल 2003 में आई फिल्म खेल, जिसमें बतौर अभिनेता प्रसिद्ध क्रिकेटर अजय जडेजा ने डेब्यू किया था। इस फिल्म में सनी भी एक खास भूमिका में नजर आए थे। हालांकि फिल्म अर्जुन पंडित की तरह ही ये भूमिका भी पहले अजय देवगन को ऑफर हुई थी। साल 2004 में आई निर्माता वसु भगनानी की मल्टी स्टारर फिल्म लकीर को लेकर कहा जाता है कि इसमें सनी वाली भूमिका जैकी श्रॉफ व सुनील शेट्टी वाली भूमिका अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम वाली भूमिका अभिषेक बच्चन और सोहेल खान वाली भूमिका पहले तुषार कपूर को ऑफर हुई थी। बहरहाल, वीडियो के अंत में हम जिक्र करना चाहेंगे साल 2007 में आई फिल्म काफिला की, जिसमें सनी देओल के द्वारा निभाई गई कर्नल समीर अहमद खान की भूमिका के लिए पहले असीम मर्चेंट के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन बाद में फिल्म की स्टार वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसमें सनी देओल को लिया गया। वैसे सनी देओल की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।